और जो दूर दूर से यहाँ आ रखे हैं हमारा आज का प्रोग्राम देने देखने के लिए, और सभी को धन्यवाद भी देता हूँ और शुक्रिया करता हूँ जयादी और अतुलदा का जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये प्रोग्राम को आज कर सकें यहाँ पे। तो आपको महसूस करना हो तो चले आना यहाँ देवभूमि में। सुना है सभी देवी देवता यहाँ स्वयं नीचे पधार कर अपने दर्शन देते हैं, और सुना है सभी देवी देवता नीचे पधार कर अपने दर्शन देते हैं। आखिर ऐसे ही इसे थोड़ा देवभूमि करोड़ देवी देवता जो यहाँ निवास करते हैं। तो आज का प्रोग्राम हमारा जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, और इवेंट को शुरू करते हुए ज्यादा देर न करते हुए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा कोमल और कोमल को प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के उल्लेख के बारे में। उत्तराखंड का पहला उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जिसमें उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरुक्षेत्र कहा गया है, तथा स्कंद पुराण में उत्तराखंड को दो खंडों में विभाजित किया गया है, मानस खंड और केदारखंड। मानस खंड वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र है और केदारखंड वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र है, तथा इन दोनों क्षेत्रों को नंदा देवी पर्वत चोटी अलग करती है। तो चलिए अब बात करते हैं पुराणों में उत्तराखंड को क्या क्या कहा गया है। पुराणों में उत्तराखंड को खद्देश, ब्रह्मपुर और उत्तरखंड कहा गया है, तथा महाभारत में गढ़वाल को बद्रिकाश्रम, तपोभूमि और स्वर्गभूमि कहा है, तथा कुमाऊं के लिए कुर्मांचल शब्द का प्रयोग किया गया है। और कुछ बौद्ध ग्रंथों में जो पाली भाषा में लिखे गए हैं उनमें उत्तराखंड को शाह ने पृथक राज्य आंदोलन के लिए अपने स्तर पर शुरू किया। सबसे पहले 1957 में टेहरी नरेश मानदेन शाह ने इसके लिए पृथक राज्य के लिए अपना शुरुआत इन्हीं ने की, और 24 और 25 जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन 70 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव का पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया, जिसमें युवाओं को इसके लिए ज़्यादा प्रेरित किया जाता था कि उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र अलग होना चाहिए। अब मैं आपको उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताऊंगी। तो उत्तराखंड की संस्कृति जितनी समृद्ध है उतनी ही मन को मोहने वाली भी है। अब बात करेंगे हम संस्कृति की, तो संस्कृति में आती तो बहुत चीजें हैं, जैसे कि लोग, उसके बारे में हमें वाकिफ कराएंगी अभिलाषा और आपको। मतलब कि वो अपनी संस्कृति को बहुत मानते हैं, और जब जब उन्हें अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है वो इस अवसर को नहीं छोड़ते। उनकी एक संस्कृति का हिस्सा इनकी लोक गीत है, तो दूसरा हिस्सा इनकी लोक नृत्य है। उदासी के और दुख के भाव को भी वो गीतों से प्रकट करते हैं। इसके कुछ ही उदाहरण आपको देंगे, जैसे पहला बजुबंद, इसमें जैसे आकांक्षा ने बताया कि वो अपने काम करते वक्त ये गाते हैं, तो वो उसका एक उदाहरण है बजुबंद, जिसमें महिलाएं काम करते वक्त इसे गाती है, और अगर वो खुश है तो खुशी के भाव के वाले गाने गाती है, और दुख है तो दुखी के, और उदास है तो ऐसे उदास होकर गाना गाती है। अब आता है जागर। जागर भूत और प्रेत आत्माओं से संबंधित है, जो कि घर और मन की सुख शांति के लिए लगाई जाती है, ज़्यादातर कुमाऊं में लगाई जाती है। बसंती, आप तो समझ ही रहोगे कि बसंती, जब बसंत का मौसम आता है चारों तरफ पेड़ों में नई मंजरियाँ आती है, तो उसके स्वागत के लिए जो गांव के लोग हैं अपना समय निकाल के गाना गाते हैं। और इसी बसंती में एक त्यौहार आता है फूल दी छम्मा दी, उसमें बच्चे जो है घर की ढेलियों में फूल चढ़ाते हैं, और दूसरों के घर जाके उनकी ढेलियों में भी फूल चढ़ाते हैं, और वहाँ से गुड़ इकट्ठा करते हैं। अब आता है मंगल गीत और शकुनाकर। मंगल गीत गढ़वाल में गाया जाता है शादियों में, और शकुनाकर कुमाऊं में गाया जाता है। अब